ये मशहूर गीत आधारित है राग तिलक कामोद पे। अच्छा, तो क्यों ना हम इसी राग की जानकारी आज ले लें। जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले आप हमें इस राग के आरोह और अवरोह हमें बताइए। जी सुनिए। सारे इस राग का चलन कैसे होता है? इस राग में दो तीन ऐसी खूबियां हैं जिससे ये राग ज्यादा करके निखर आता है, राग की पहचान होती है। अच्छा। पनी सारे गा सारे गा सा नी सारे पामा गा सारे गा सानी पनी सारे गा सारे पामा सारे गा रे मा पानी पानी सा। अब इसमें कोमल निशा की बहुत सुंदर जगह है। रे मा पानी सा पधा रे मा पानी गा पामा गा सारे गरे गा। इस राग के प्रमुख स्वर कौन से हैं? इस राग के वादी संवादी हैं पंचम और षडज। और शास्त्रकारों ने इस राग को गाने का समय जो है जी वो हाँ। निर्धारित किया है? बिल्कुल, तिलक कामोद गाया जाता है रात के प्रथम पहर में। अच्छा अच्छा। सावनी जी, इस राग का जो व्याकरण आपने हमें समझाया है, इसे थोड़ा और उजागर करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। जी, क्या सुनाना पसंद करेंगे? इसमें मैं आपको मध्यले एकताल में निबद्ध बंदिश है जिसकी रचना पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की है। जी। परम पुरुष नारायण सुनते हैं। मन काहे को करत ई
इसमें सावनी जी रसाविष्कार के बारे में विषय में शास्त्रकारों ने कुछ लिखा है। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा करके भक्ति भाव और प्रसन्न भाव ज्यादा करके निखर आता है, इसलिए थोड़ा बहुत श्रृंगार भी इसमें शायद। बिल्कुल, प्रसन्न होने के कारण श्रृंगार रस तो उसके पीछे पीछे ही आता है। इसलिए हिंदी संगीतकारों ने इसको जो इस्तेमाल के इसका प्रयोग किया है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि श्रृंगार के आसपास, यानी कि एक दो तीन गीत तो इस वक्त यूं याद आ रहे हैं। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, मिटा कर बनाना, बना कर मिटाना जमाने का। ये मुकेश जी और दीदी का गाया हुआ है, अनिल विश्वास का कंपोजिशन। फिर एक सलील चौधरी साहब ने जागते रहो फिल्म के लिए एक बहुत अच्छा गीत लिखा था, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, प्याज खिड़की खुली मत छोड़ो, ठंडी ठंडी सावन की फुहार। इसी के आसपास सरदार मलिक साहब ने, यानी कि बाकी श्रोताओं के लिए बताऊं, अनु मलिक साहब के पिताजी, तो उन्होंने फिल्म सारंगा के लिए इस तरह से तरह का गीत बनाया, चली रे मैं तो देश पराए, भीगी भीगी पलकों में प्यार छुपाए, चली रे मैं तो। फिर ये शायद पद्मा सचदेव जी ने लिखा हुआ गाना था, बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म आई थी प्रेम पर्वत, जयदेव जी ने जिसकी धुनें बनाई थी, ये दीदी का गाना है। एक थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कि ये गीत मूल रूप से जो रिकॉर्ड किया गया है वो ही हमारी ऑक्टेव के मध्यम में किया गया है। अच्छा, तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं आपके ऑक्टेव के ऊपर वाले इसमें गा कर देखूं क्या होता है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदली कहाँ से आई है, ये बदली कहाँ से आई है, पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, भूल ना जाइयो अपना बसेरा रे, कोयल भूल गई जो घर वो लौट के फिर कब आई है, ये बदरी कहाँ से आई। लीजिए फिर से आते हैं शास्त्रीय संगीत के दौर में। सावनी जी, आपने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार तो है ही। अब समापन के मोड़ तक आ पहुँचे हैं, तो हमारे श्रोताओं को क्या सुनाई गया? राग तिलक आमोद में द्रुत तीताल मैंने बत बंदिश आपको सुनाती हूँ, आवत घर आज बलमा, सुनते जी। सब मिल गाओ बजाओ, आ, 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 आ।
सखी गा